जैन साथियों, मैं उत्कर्ष मिश्रा आप सभी के बीच में उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 के लिए संविधान का जो लेक्चर चल रहा है उसमें मैं आज अपने अगले लेक्चर में उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि पिछली कक्षा में हम सभी ने आगामी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 की लिखित परीक्षा के संदर्भ में मौलिक अधिकार के अंतर्गत चल रही अपनी कक्षा में पहले समानता का अधिकार, समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में वर्णित है इसको देखा। उसके बाद हमने स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में जो वर्णित है, इस स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है, इसमें हमने कल अनुच्छेद 19 और 22, अनुच्छेद 19 और 20 इसको देखा और हमने चर्चा की कि संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें अनुच्छेद 19 के तहत और 20 के तहत तरह तरह की स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 21। साथियों, अभी तक जैसा हमने देखा इस मौलिक अधिकार में, जो मौलिक अधिकार हमारा लिया गया था हमारे संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, और इसमें समानता के अधिकार में, विधि के समक्ष स्वतंत्रता, लोक नियोजन में स्वतंत्रता, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, इस आधार पर प्रतिषेध, उपाधियों का अंत वगैरह वगैरह, ये सब बातें हम लोगों ने चर्चा की थी। जो अनुच्छेद 21 है यह प्राण, एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। जो अनुच्छेद 21 है यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कहता है और इसे ही व्यक्ति की या नागरिकों की निजी स्वतंत्रता वाला अधिकार माना जाता है या
कहा जाता है? यह अनुच्छेद 21 कहता है कि भारत के नागरिकों को उनके प्राण एवं निजी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। एक बार पुनः सुनिए कि अनुच्छेद 21 कहता है कि नागरिकों को उनके प्राण एवं वैयक्तिक स्वतंत्रता अथवा निजी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। इसी को जैसा कि मैंने बताया कि व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता के अधिकार की बात वाला अधिकार ये कहा जाता है। अब बात आती है निजी स्वतंत्रता की, तो कौन कौन से निजी स्वतंत्रता, जैसे चिकित्सा का अधिकार, कोई व्यक्ति बीमार है और उसे चिकित्सकीय सलाह की जरूरत है तो ये उसका निजी अधिकार है कि वो अपने पसंद के किसी भी डॉक्टर से वो परामर्श ले सकता है, तो चिकित्सा का अधिकार। और कौन सा अधिकार निजी स्वतंत्रता में, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार में जैसे किसी भी व्यक्ति को कोई, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर लड़का हाई स्कूल पास हुआ, इंटर पास हुआ, तो वो स्नातक में बीए, कोई बीए करता है अपनी रुचि के हिसाब से, कोई बीएससी करता है, कोई बीटेक करता है, कोई एमबीबीएस करता है, तो अपने पसंद की अपनी रुचि की जो भी शिक्षा है उसके अधिकार से व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा। तो चिकित्सा का अधिकार हो गया, शिक्षा का अधिकार हो गया, और कौन सा निजी अधिकार, निजी स्वतंत्रता का अधिकार है, जैसे पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को अपने पर्यावरण की रक्षा करने का जो अधिकार है वह इसी अनुच्छेद 21 के तहत, जो व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता की बात करता है उसमें पर्यावरण संरक्षण का अधिकार शामिल है। एक और चीज जो हम में से प्रायः बहुत से लोग परिचित होंगे, जो प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़े होंगे, जो बीटेक, एमबीबीएस, एमबीए या इस तरीके के कोर्सेस में दाखिला लिए हैं या डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, उनके कॉलेजेस में प्रायः रैगिंग होती होगी, जो कानूनन अवैध है और
इसी अधिकार के तहत उन्हें उन्हें अर्थात विद्यार्थियों को रैगिंग से संरक्षण प्रदान किया गया है, अर्थात व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता के तहत चिकित्सा का अधिकार कि किसी भी अपनी पसंद के किसी भी डॉक्टर से वो चिकित्सकीय सहायता ले, शिक्षा का अधिकार किसी भी विधाओं में किसी भी शिक्षण संस्थाओं में अपनी योग्यता और अपनी रुचि के हिसाब से उसे शिक्षा का अधिकार है, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार रैगिंग से संरक्षण इसी में प्रदान किया गया है। प्रायः विश्वविद्यालयों में या प्रोफेशनल कॉलेजेस में जो लोग पढ़े हैं वो जानते होंगे कि रैगिंग एक महत्वपूर्ण जो है समस्या विद्यार्थियों के समक्ष आती है और वरिष्ठ छात्रों द्वारा जो जूनियर विद्यार्थी हैं उनके साथ रैगिंग की घटनाएं समाचार पत्रों के माध्यम से मिली हैं। तो रैगिंग से जो संरक्षण है वह भी व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता में शामिल है और रैगिंग से संरक्षण भी इसी अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है और इसी अनुच्छेद में व्यक्ति की प्रत्येक तरह की जो निजी स्वतंत्रता है उसको व्यक्ति को प्रदान किया गया है। यह बात है अनुच्छेद 21 के जिसमें हम महत्वपूर्ण चीजों की चर्चा की। अब आते हैं अगले अनुच्छेद पर, इसी स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। अनुच्छेद 21 के बाद एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिससे प्रायः हम सभी परिचित होंगे, वो क्या है? अनुच्छेद 21 कहता है कि राज्य राज्य 6 से 14 वर्ष तक के राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 21 का यह बात करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा और इस अनुच्छेद को
अनुच्छेद 21 का, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था राज्य को करना है और राज्य ने किया है। यह भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया है, अर्थात संविधान के 86वें संशोधन द्वारा कब 2002 में राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा, यह बात संविधान के 86वें संशोधन में कही गई 2002 में। अब हम आते हैं अपने अगले अनुच्छेद 22 पर। तो इसमें देखा आपने राज्य द्वारा सभी बच्चों को जो जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष है उन्हें निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। और अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। साथियों, अनुच्छेद 22 यह कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 22। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, यह बात करता है अनुच्छेद 22। इसमें जब किसी को, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है किसी भी मामले में, किसी भी आरोप में, तो इसमें यह व्यवस्था की गई है कि सबसे पहले जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो पहली बात क्या कि उसे गिरफ्तारी का कारण बताना हो। जैसे पुलिस जाती है किसी को गिरफ्तार करने के लिए तो गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है
है तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। कि पुलिस पहुंची किसी के घर और किसी मामले में किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया इस कारण को व्यक्ति को बताना पड़ेगा कि आपको भाई गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। और इसमें अगली बात है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। चौबीस घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। या इसी में एक बात और है दूसरे शब्दों में कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे से ज्यादा निरुद्ध नहीं किया जाएगा, अर्थात जेल में नहीं रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप गिरफ्तार कर लिए और जेल में रख दिए, 24 घंटे से ज्यादा बीत गया और आपने उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया, ऐसा नहीं होगा। अर्थात 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं किया जाएगा। चौबीस घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं किया जाएगा। नहीं किया, ये दोनों एक ही बातें हैं, बस घुमा दिया गया है। बात एक ही है कि 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा या 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं किया जाएगा, या समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि 24 घंटे से अधिक जेल में नहीं रखा जाएगा बिना दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए। जब दंडाधिकारी के समक्ष पेश करते हैं और पुलिस को रिमांड मिलती है, उसके बाद ही उसके निरुद्ध करने की अवधि को बढ़ाई जा सकेगी। जितने दिन की रिमांड उतने दिन फिर वो जेल में रहेगा। इसमें एक बात और है समझने वाली कि जो 24 घंटे की समय सीमा है कि 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा, इस 24 घंटे में आने और जाने का जो समय है उसे छोड़कर, ऐसा नहीं है कि
पता चला 5 घंटे जाने में लगा, 5 घंटे आने में लगा, 10 घंटे तो यही हो गए। तो आने और जाने का समय छोड़कर 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। तो अगली बात जो है वो ये है कि आने और जाने के समय को छोड़कर 24 घंटा, आने और जाने के समय को छोड़कर 24 घंटा। तो ये बातें हैं कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा, या गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं किया जाएगा बिना दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए। और इस 24 घंटे में जो समय की गिनती होगी, जो समय की गणना होगी, उसमें आने और जाने के समय को नहीं गिना जाएगा। और इसमें एक और बात है, तीसरी बात, और यह भी महत्वपूर्ण बात है कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तीसरी बात में, तो उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने दी जाएगी। या सलाह ले सकेगा। तो इसमें जो तीन बातें हैं वो ये हैं कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो पहली बात कि उसे गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा, दूसरी बात कि 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना पड़ेगा जिसमें आने और जाने का जो समय है उसे काउंट नहीं किया जाएगा, और जो तीसरी बात है वह यह है कि अपने पसंद के वकील से गिरफ्तार व्यक्ति सलाह ले सकेगा। ये बातें हैं दशाओं में, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी की, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। अब बात करते हैं निरोधक कानून एवं निरोध में संरक्षण से। निरोधक कानून में हम जरा सा चर्चा कर लेते हैं। निरोधक कानून में, निरोधक कानून साथियों एक इस तरीके का कानून है जिसका उद्देश्य है अपराध को करने से रोकना, अर्थात अपराध घटित होने से पहले ही अपराध को रोकना, और जिस व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने का संदेह हो उस व्यक्ति को अपराध करने से पहले निरुद्ध करना। तो आइए हम देखते हैं इस निरोधक कानून को और समझते हैं। निरोधक कानून अपराध करने से पहले अपराधी को निरुद्ध करना।
जैसा कि अभी हम अनुच्छेद 22 में देखे थे कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना पड़ेगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा तो कारण बताना पड़ेगा, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने दी जाएगी या वो ले सकेगा। लेकिन ये जो बात है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है जिसने अपराध किया है, तो ये चीजें तब की हैं जब अपराध हो चुका है। जैसे मान लीजिए कि रमेश ने सोहन पर अपने तमंचे से फायर किया और गोली लगने से सोहन की मृत्यु हो गई, तब रमेश ने अपराध किया, घटना हो चुकी है। ऐसी स्थिति में पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करेगी और गिरफ्तार करके दंडाधिकारी के समक्ष पेश करके रिमांड लेगी ताकि विवेचना पूरी हो सके और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हो सके। तो यहां तो अपराध हो चुका, अपराध घटित हो चुका है, लेकिन निरोधक कानून में अपराधी को अपराध करने से पूर्व ही रोकना है और उसे निरुद्ध करना, अर्थात जेल में भेजना है। किसी भी व्यक्ति को तीन महीने तक निरुद्ध किया जा सकता है जेल में अपराध करने से पूर्व, जिस पर आशंका है कि इस व्यक्ति द्वारा जो किया गया, किया जाने वाला कार्य है, ऐसी आशंका है कि इससे लोक शांति भय भंग हो सकती है, देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है, या कोई बड़ी घटना इस व्यक्ति के अपराध करने से घट सकती है, ऐसे व्यक्ति को निरोधक कानून के तहत निरुद्ध किया जाता है और जिसकी अवधि जो है तीन माह होती है, तीन माह के लिए उसे निरुद्ध किया जाता है। और यदि ऐसा लगता है कि व्यक्ति को और ज्यादा समय तक निरुद्ध करना चाहिए, अन्यथा इसके द्वारा किए जाने वाले कृत्य से लोक शांति, लोक व्यवस्था भंग हो सकती है या देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित जो कानून है उसके सलाहकार बोर्ड से सलाहकार बोर्ड से प्रत्यावेदन लेना पड़ता है। अगर लगता है कि हमारा जो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और निरुद्ध किया गया है तीन माह के लिए, अगर इसके निरुद्ध करने की अवधि बढ़ानी है तो सलाहकार बोर्ड से आदेश लेना होगा और इस तरीके से ऐसे व्यक्ति या अपराधी को जिसको तीन महीने के लिए निरुद्ध किया गया था, उसकी जो निरोधक सीमा है, अवधि है, उसको सलाहकार बोर्ड के आदेश से बढ़ाया जा सकता है। इसी में एक महत्वपूर्ण कानून है, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसी कानून की चर्चा आगे हम जब मूल विधि पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा और वहां हम इसकी व्यापक चर्चा करेंगे। यहां पर इसी कानून में एक निरोधक कानून है जिसको बोलते हैं, प्रायः आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत से लोग जानते होंगे और बहुत से लोग न्यूज चैनल्स और समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़े होंगे, वह है रासुका। रासुका इसका पूरा नाम है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून।
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं एनएसए, एनएसए या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हुए, एनएसए भी है, एनएसए वो भी है, एनएसए ये जो कानून है हमारा वो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एक वो जो एनएसए है जिसे आप जानते हैं, वो भी नेशनल, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो इस समय वर्तमान में श्री अजीत डोभाल सर हैं। लेकिन यह कानून जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं रासुका, इसको अंग्रेजी में एनएसए बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, यह भी एक निरोधक कानून है, और यह प्रायः ऐसे व्यक्तियों पर लगाया जाता है जिसके द्वारा लोक शांति, लोक व्यवस्था भंग हो रही हो, या देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा हो, ऐसे व्यक्तियों पर रासुका लगाई जाती है। और एक थोड़ी सी और हम चर्चा कर लेते हैं, और जिस व्यक्ति पर रासुका लगाया जाता है उसको बिना केस चलाए रासुका अगर लगता है तो 12 महीने अर्थात 1 साल तक निरुद्ध किया जा सकता है। इस कानून के तहत, रासुका के तहत, जो कि एक निरोधक कानून है, और इसका भी उद्देश्य वही है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व रोकना और उसको निरुद्ध करना। यह हुआ हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अब हम चर्चा करते हैं, करेंगे अपने मौलिक अधिकार जो हमारा विषय है उस पर, अगले मौलिक अधिकार पर, और जिसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और यह अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है, और इसमें इसका अध्ययन हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक-एक अधिकार को अभी हम एक-एक करके इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसको बिंदुवार हमें देखना है, यहां अंदर से जो है सवाल आ जाते हैं हमारी परीक्षा में, लिखित परीक्षा में, और बाद में जो हमारी जो अन्य टॉपिक हमारे हैं वो संवैधानिक पद जो हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, इन सारे पदों के बारे में कमोबेश 4 बातें हमें पढ़नी है कि उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनको शपथ कौन दिलाता है, वो त्याग पत्र किसको देते हैं, और किस अनुच्छेद के तहत उनकी नियुक्ति होती है। तो संवैधानिक पदों के बारे में हमें कमोबेश 4-5 बातें पढ़नी है सारे संवैधानिक पदों के बारे में, और इसीलिए इन सब विषयों को हम एक एक करके बिंदुवार देख रहे हैं, और हम अपनी अगली कक्षा में जो हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। तब तक आप एक एक चीजों को
इसी तरीके से पढ़ते रहे। यदि आपको इस लेक्चर से कहीं कोई डाउट होता है तो आप इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात कह सकते हैं, या फिर अगर साउंड में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप बता सकते हैं। और यहां पर लिखने का प्रयास किया जाता है कि अगर साउंड से किसी को दिक्कत हो तो बोर्ड पे जो लिखा गया है उससे वो मैच करा के देख ले, और किसी को भी अगर कोई डाउट हो तो नीचे अपने कमेंट सेक्शन में अपनी बातें लिख सकता है, जिसका मैं फिर उसको जवाब दूंगा, जो भी उसके क्वेश्चन होंगे उसके मैं आंसर दूंगा। तो फिर मिलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, अगले लेक्चर में, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।